लैब टेक्नीशियनों की हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। शनिवार को जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान भी जांचों के लिए महिलाओं को परेशान होना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब जांच कक्ष पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। कुछ देर हंगामे की स्थिति भी बनी। महिलाओं का कहना था कि हमें कोई जानकारी नहीं दे रहा कि ऑपरेशन होगा या नहीं, क्योंकि बिना जांच के ऑपरेशन नहीं हो पाता। करीब 2 घंटे देरी से नसबंदी के लिए पहुंची महिलाओं की जांच शुरू हो सकी। सुबह 8 बजे से महिलाएं पहुंची थी। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली जांच 11:30 बजे लैब सहायक के पहुंचने पर शुरू की, जिसके बाद महिलाओं ने राहत महसूस की। सिविल सर्जन का कहना है कि हड़ताल से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है, लेकिन समिति स्टाफ में सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। महिला नसबंदी शिविर भी है, और कई महिलाएं जो है सुबह 7-8 बजे से परेशान हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आई है, तो किस प्रकार की सर इसमें व्यवस्था की जा रही है? लैब टेक्नीशियंस जो हैं, जो रेगुलर लैब टेक्नीशियन हैं, उनकी सभी की हड़ताल है, पर हम प्रयास कर रहे हैं हमारे जो है दूसरे व्यवस्था से, तो अभी हमने व्यवस्था कर दी है। किस प्रकार दिक्कत है सर? 23 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, तो कुछ दिक्कतें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दिक्कतें तो हैं, इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी सारी जाँचें वगैरह होती है, दिक्कतें तो हैं। आज की स्थिति कैसे निपटा जा रहा है? 70-80 नहीं, हमने एक टेक्नीशियन जो है उसमें निकाला है और अभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आज 51 महिलाएं हैं। ये ऑपरेशन करवाने आए हैं, नसबंदी दूरबीन वाला पुरुष महिला नसबंदी करवाने के लिए आए हुए हैं। जांचों के लिए सिविल सर्जन साहब से बात करिए, वो किसी को भिजवा के करवा रहे हैं। अभी ये कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन हड़ताल पे होने की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? जगदीश चंद गुप्ता। भी 8 बजे से बच्चा लोग छोटे छोटे लोग छोड़ के आए हैं, और यहाँ बताओ लगे कोई नहीं आई उनकी जाँच क्या पता लगा क्या हड़ताल पे टाइम लगे हड़ताल पे अब यहाँ परेशान सब हो गए। दूसरा कर्मचारी कोई कब भेजो। क्या नाम है आपका? आशा यादव। सवेरे के आए ले हम तो 8 बजे के, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के। क्या ताला लगा है? हाँ ताला लगा है। कोई आ रहा है कि नहीं? नहीं आया अभी तक तो, आए नहीं। आप क्या पता आएगा कि नहीं? अब क्या परेशान? 8 बजे के आए। क्या हड़ताल पे धंधे में आ रहे हड़ताल? कहाँ से हड़ताल आ गए? सब चालू है ना। क्या नाम है तुम्हारा? रुबीना। आ रहे थे? बिजल गाँव। परेशान है रे, सुबह 6 बजे से आके बैठे है। नहीं है, आए नहीं अभी तक। हाँ हाँ, ताला लगा हुआ? हाँ ताला लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? रानी गंगर। हाँ सर। हड़ताल चल रही है, उसका आज व्यापक असर भी देखने को मिला है। जो LTT कैंप था, जांचें नहीं हो रही महिलाओं की और परेशान हो रही करीब 2-3 घंटे से। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। नेशनल प्रोग्राम है ये, महिलाएं बच्चे परेशान हो रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आज हमारी 23वें दिन भी हड़ताल जारी है, सरकार हमारी मांगों पर भी ध्यान नहीं दे रही है और मरीजों को परेशान कर रही है। हम भी मजबूरी में धरना हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभी 6 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए, 13 सूत्री मांगों को लेकर के। तो ये हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर मरीज जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आज महिलाएं जो है करीब 60-70 केस LTT कैंप होने थे, 3-3 घंटे से परेशान हो रही महिलाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसा मैंने कि बताया है, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी को परेशान हो, पर शासन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये शासन के नेशनल कार्यक्रम है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आप? अनिल कोकणे, संरक्षक लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।